हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आर्यम बोलता है कि सब लोगों की बात अगर ख़त्म हो गई हो तो क्या एंगेजमेंट को शुरू करें। आज होबी का एंगेजमेंट है और यूनजी के साथ, होबी बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो इन लोग जो है अभी बोलते हैं कि तो फिर आखिर में हमारी होबी को उसका प्यार मिल ही गया। तो जिमिन को भी थोड़ा सा सैड लग रहा था भी के लिए, लेकिन होबी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि होबी बहुत अच्छे हैं, सब लोग के साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं और बहुत फनी भी है। लेकिन जिमिन को अभी भी सिर्फ भी का ही चिंता था, उसके लिए वो सैड फील कर रहे थे कि सब लोग को उनका प्यार मिल गया है और भी का प्यार नहीं मिला उसको। वो 2 साल से कुकी को प्यार करते हैं लेकिन उसको उसका प्यार नहीं मिला। तो ये जो बात है, ये जिमिन के मन में बहुत ही ज़्यादा घर कर लेते हैं। लेकिन आखिर में जब जेके भी की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे थे तो जिमिन ये नोटिस करते हैं और उसको अच्छा लगता है कि चलो मेरी प्यार को कोई तो है जो खुश रख पाएगा। और उसको ऐसा लगता है कि जेके भी के लिए परफेक्ट है और अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर ए है तो फिर बहुत अच्छा होंगे। तो वो जो है प्यार को बोलते हैं, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तो ब्यार बोलते हैं कि चिमी, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या बोलना चाहते हो? बोल दो, मैं तुम्हारी बात हमेशा बहुत ही ध्यान से सुनता हूँ, ठीक है? तो तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है और बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ध्यान से सुनो। बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम मुझसे? तो चिमी बोलते हैं, तुम्हारी लाइफ में जब भी प्यार आए ना दोबारा से, तो तुम उसको अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ के रखना, ठीक है? और अपने दिल की बात बोल देना, हिचकिचाना मत, ओके? तो ब्यार बोलते हैं, अचानक ये बात क्यों? वो मुस्कुरा के बोलते हैं। तो चिमी बोलते हैं, इसको फानी मत लेना, मुझे लगता है तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारा प्यार मिलने वाला है और तुम अपने दिल की बात तुम कर लेना और उसको रोकना मत। दिल जो चाहता है वो ही करना, ठीक है? और फिर ब्यार बोलते हैं, ठीक है, मेरी सोलमेट ने कहा है तो मुझे तो वो रखना ही पड़ेगा और मुझे वो करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम जो हो मेरी चिमनी प्यारी सी। और फिर ते बोलते हैं, ए शॉर्ट मुची, क्या बात कर रहे हो तुम मेरी भाई से? हाँ, जिमिन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? हाँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो और एक कैसी बात है शॉर्ट मुची, मुझे इस तरह से मत बोला करो। तो युंगी आते हैं और बोलते हैं कि किसने कहा है तुम शॉर्ट मुची हो? तुम तो बहुत ही प्यारे हो और बहुत ज़्यादा क्यूट हो, हाँ, और ब्यूटीफुल तो हो ही, हैंडसम, इसके बारे में मत ही बोलो तो ही अच्छा है। तुम्हारा जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है, मैंने तुम्हारी जैसा इतना ज़्यादा हैंडसम और सुंदर किसी को नहीं देखा है। तो जिमिन बहुत ही शाई फील करते हैं, ब्लश करने लगते हैं, उसकी चीक जो है वो रेड हो चुके थे। तो युंगी जो है उसको देख के और भी ज़्यादा वो भी शाई फील कर रहे थे और उसको टीच करके बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पार्टनर यहाँ पे नहीं आए हैं क्या? तो चिमी बोलते हैं कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है? और फिर युंगी मन में बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो उसका कोई पार्टनर नहीं है क्योंकि युंगी को जिमिन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। युंगी जिस तरह से बात कर रहे थे ना, वो जिमिन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जिमिन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे थे उसकी बातों से। तो इन दोनों जो है एक दूसरे के साथ बात करने लग गए थे। तो ते बोलता है कि क्या बात है, आखिर में शॉर्ट मुझे को उसका पार्टनर मिल ही गया, मुझे लगता है ऐसा, तुम क्या बोलते हो ब्यार? तो ब्यार बोलते हैं कि आप उसे शॉर्ट मुझे मत बुलाइए, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो ते बोलते हैं, लेकिन ये तो मैं बहुत ही प्यार से बोलता हूँ। ठीक है, अगर तुम मना कर रहे हो तो फिर मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो ऐसे ही मजाक करता था उसके साथ, लेकिन उसको बुरा लगेगा मुझे नहीं पता था। लेकिन क्या तुम्हें बुरा लगा है? तो फिर प्यार बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि वो मेरा सोलमेट है और मैं उसको सैड होते हुए नहीं देख सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। अगर उसको कोई अच्छा सा पार्टनर मिल जाते हैं
तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होंगे। तो तेग बोलते हैं, माय बियार, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैंने ये सब कुछ जो कि भी किया है ना, वो जानबूझ के नहीं किया है। तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तुम बहुत ज़्यादा पेन में हो, मुझे दिख भी रहा है। लेकिन मैं बनी की खुशी के लिए सब कुछ करता हूँ, और तुम मुझे गलत मत समझना। तो एक बात जो है, जेके आके सुन लेते हैं तो बोलते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हो आप लोग, हाँ क्या मैं जान सकता हूँ, और किसके लिए ब्यार इतना सैड है? तो आपका नाम ब्यार है क्या और कोई? फिर बोलते थे, बोलते क्यों नहीं, ये भी है, हम सब लोग प्यार से उसको ब्यार बोलते हैं और हम इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जेके बोलते हैं, लेकिन आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ? तो कुकी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि जेके, आप तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब बातें, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, ठीक है, अब ये सब बातें मत करो। यहाँ पे हुबी का एंगेजमेंट है, तो आप लोग क्या बात लगा के रखे हैं यहाँ पे, चलिए जल्दी से, वहाँ पे डैड बुला रहे हैं हम सब लोगों को। आर्यन बोल रहे थे कि तुम सब लोग की बात ख़त्म हो गई हो तो फिर हुबी की एंगेजमेंट शुरू करें। तो हुबी जो है बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आखिर में इन दोनों की एंगेजमेंट हो ही जाते हैं यूनजी के साथ, और ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, खुश भी लग रहे थे। तो हॉबी की एंगेजमेंट ख़त्म हो जाते हैं, उन दोनों की एंगेजमेंट हो गए थे, दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा प्यार से खड़े हुए थे। तो अब आर्यन बोलता है कि आप लोगों को एक बात और बताना है, आज सिर्फ हॉबी का एंगेजमेंट नहीं था, आज कुकी और तेई की भी एंगेजमेंट है। तो उन दोनों के लिए रिंग लेकर आए थे, तो वो लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि आज हमारी भी एंगेजमेंट है, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं टाइगर ह्यून के साथ शादी करूंगा और हम दोनों की एंगेजमेंट होंगे। सच में मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है, आखिर में मुझे कोई खुशी मिलने वाली है, और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे मेरा ब्रादर मिल गया है, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, एक साथ मेरी इतनी खुशी मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। अब मुझे खुशी के आंसू आ रहे हैं मेरे आँखों पे, और वो ब्यार की तरफ देखते हैं, वो बहुत ही सैड था। तो कुकी जो है अपने आंसू बाहर निकल ही रहे थे कि खुद के आंसू को पोंछते हैं और ब्यार के पास जाते हैं और उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, माय ब्यार ह्यून, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार जो है बहुत ही सच्चा और प्योर है। वो एक अलग ही प्यार है जो किसी को रिस्पेक्ट करने के वजह से होते हैं, वो वाला प्यार। और ये प्यार कभी भी किसी के लिए नहीं ख़त्म होते हैं, हमेशा रहते हैं। और आप मुझे नफरत मत करना, ठीक है, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तो चाहता नहीं था आपको दुख पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं मानता है, मेरा दिल सिर्फ आपकी टाइगर ह्यून के लिए धड़कता है। आई एम सो सॉरी। तो ब्यार उसको बोलते हैं, तुम इतना सॉरी फील मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मेरी गलती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, चीट किया है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर ये सब कुछ नहीं होता, और तुम मुझे नफ़रत तो नहीं करते हो ना? तो कुकी बोलते हैं, नहीं, मैं नफ़रत क्यों करूँगा, मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन वो गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन ये भी सच है कि आप जो है बहुत ही शाय हो, आप दिल की बात नहीं बोल पाते हो, मैं हमेशा से ये मानता हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन हमेशा दिल की बात जो है खुद को ही बोलना चाहिए ताकि दूसरे को स्पेशल फील हो। आप जब भी किसी को प्यार करोगे ना, और कोई आपको प्यार करे, तो आप उसकी प्यार को एक्सेप्ट करना और उसको अपने दिल की बात खुद बोलना, ठीक है? फिर प्यार बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम तेई के साथ खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी से ही हम सब लोग की खुशी है। तुम बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन फील किया है, अब तुम्हारी जो है लाइफ में खुशी आने वाली है, तो इस खुशी को अपनी दोनों हाथों से समेट लो, ओके, बेस्ट ऑफ लक। और फिर जेके आते हैं और कुकी की हैंड भी की हैंड से इतनी ज़ोर से खींच के अलग करते हैं कि क्या बोलूँ।
तो कुकी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, मुझे चोट लग जाएगा, मुझे हयन में दर्द हो रही है, तुमने इतना ज़्यादा बॉडी बना लिया है कि तुम्हारी टच से मेरे हैंड दुख रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रोंग मसल्स है तुम्हारी, हाँ तुम तो बहुत ही हॉट हो। और फिर जेके बोलते हैं तुम्हारी पार्टनर भी कोई कम नहीं, ते की बॉडी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन भी की तो बॉडी नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी जो भी है बहुत ही सेक्सी है, हाँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भी जो है शाय फील करते हैं और मन में बोलते हैं कि क्या मैं और सेक्सी, और जेके दोबारा से बोलते हैं कि सिर्फ सेक्सी ही नहीं, ये तो हॉट भी है, इतना ज़्यादा हॉट है कि मुझे तो देख के ही। तो कुकी बोलते हैं कि क्या, और जेके बोलते हैं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे मज़ाक कर रहा था। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, और तुमने मुझे अभी तक बोला नहीं है हाँ कि क्या बात है, आखिर में आखिर सब लोग ब्यार को इतनी बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हैं, अरे ये क्यों बोल रहे हैं कि बुरा मत मानना, पेन फील हो रहे हैं, मुझे समझाओ भी तो। तो कुकी बोलता है बाद में समझा दूँगा, आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें बाद में समझा दूँगा ठीक है। जेके बोलता है ठीक है ब्रो, अगर तुम मुझे अभी नहीं बोलना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, बाद में जब हम मिल जाएंगे तो हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे ते और कुकी की भी एंगेजमेंट हो जाते हैं आखिर में, और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। कुकी जो है हमेशा फुदकते रहते हैं, कुछ भी हो जाए तो ते को हक कर लेते हैं, ये समझते नहीं है कि यहाँ पे सब लोग हैं। और फिर ते भी कुछ नहीं बोलते हैं बनी को इतना ज़्यादा खुश देख के, क्योंकि बनी इतना ज़्यादा खुश है तो फिर ठीक है, वो भी हक कर लेते हैं और उसके साथ वो ही करते रहते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंगेजमेंट ख़त्म हो जाते हैं, इन चारों की शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं कि आफ्टर 3 मंथ इन चारों की शादी हो जाएंगी, होबी और यूनजी की और ते और कुकी का। तो यूनजी की और यूनजी के डैड मॉम बोलते हैं कि तो फिर हम पाँचों यहाँ से चलते हैं, शादी बहुत जल्द होने वाले हैं तो इसकी तैयारी भी करने हैं, और बीच बीच में तो हम लोग मिलते ही रहेंगे। लेकिन कुकी जो है वो रोने लगते हैं कि जेके उसको छोड़ के जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जेके यहाँ से जाए, लेकिन वो ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि जेके को यहाँ पर रोक ले। तो यून जी के डैड मॉम बोलते हैं कि तो तुम रो क्यों रहे हो, तुम चाहो तो हम लोग के साथ हमारे घर पे रह सकते हो, क्योंकि तुम भी तो मेरे बेटे जैसा ही हो ना, तुम भी मेरे बेटे ही हो, अगर जेके मेरा बेटा है तो तुम भी तो हो, तो हमारे घर पे चले। तो कुकी बोलते हैं लेकिन मैं कैसे, मैं अपने ते ही उनके अलावा नहीं रह पाऊँगा। जेके बोलता है कि कुकी कैसे बातें कर रहे हो, चलो ना तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम यहाँ पर चले आना, लेकिन अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है तो तुम यहाँ पे इतने दिन रह चुके हो ठीक है, लेकिन आप तुम्हें यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, शादी हो जाने के बाद यहाँ पे आ जाना। तो क्योंकि रोने लगते हैं कि बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं रह पाऊँगा अपनी ते के बिना। और फिर आर्यन बोलता है कि क्या करें, अब जेके को ही यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो यून जी की डैड मॉम बोलते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि अरे यार ऐसा मत करो ना, उसको रहने दो, क्योंकि ये दोनों बहुत दिन बाद मिले हैं, अब कोकी भी ते के बिना नहीं रह पाएगा, और जेके को वो नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत दिन बाद एक दूसरे को देख पाए हैं, बहुत साल दिन नहीं बहुत साल बाद, तो उस दोनों के बारे में तो सोचो और जेके को यहाँ पे छोड़ के जाओ, वो कुछ दिन यहाँ पे रह लेंगे तो उन दोनों का मन जो है वो ठीक हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे जेके जब भी मन करे ठीक है। और फिर क्या करता, यून जी की डैड मॉम मन जाते हैं क्योंकि मानने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। आखिर में जेके यहाँ पे रुक ही जाते हैं, जेके जो है एक डेविल स्माइल देते हैं ब्यार की तरफ देख के, उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो मुझे यहाँ पे रुकने का मौका मिल गया, कोई बात नहीं मैं तो यही चाहता था, लेकिन मुझे वो एक्सक्यूज़ नहीं मिल रहा था कि मैं यहाँ पे कैसे रुक जाऊँ, लेकिन मेरी कुकी ने वो काम कर दिया है, अब मैं ब्यार के साथ थोड़ा सा बात कर पाऊँगा, थैंक यू सो मच मेरी कुकी। और फिर कुकी बोलता है कि क्या बोल रहे हो, तो जेके बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी कुकी प्यारी सी बनी
और फिर इसकी चीक पे किस करके बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे यहाँ पे रोक लिया है। मैं डैड मॉम को तो मिस करूँगा और अपनी भाई बहन को भी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ काम है। कुकी बोलता है हाँ, अभी अभी तो हम दोनों मिले हैं और हम दोनों को बहुत ज़्यादा बात करने हैं। इतनी सारी बात इकट्ठे हो गए हैं, कितने साल बाद हम मिल पाए हैं, मुझे तो तुमसे बहुत ज़्यादा बात करनी है। और फिर जेके बोलता है कि लेकिन मुझे अभी तुमसे कुछ और ही बात करना है, हमारी लाइफ के बारे में नहीं, कुछ और की चीज़ के बारे में। हाँ, तुम्हारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं शायद, लेकिन मैं वो जानना चाहता हूँ। तो कुकी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो जेके बोलता है डम्प हो गया, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ते बोलता है कि क्या बातें हो रहे हैं दोनों भाई के बीच में। तो जेके बोलते हैं क्या आप भी आ सकते हो, मुझे आप दोनों से कुछ बात करने हैं। तो फिर बोलते हैं कि हाँ चलो हमारे कमरे में चलते हैं। और फिर वो तीनों जो है उसके कमरे में जाते हैं, ते के कमरे में और कुकी के। तो वहाँ पे जाके बैठने के बाद जेके बोलते हैं कि आखिर बात क्या है, भी के साथ क्या हुआ है, आप दोनों उसको इतना सिंपैथी क्यों दे रहे थे, वो ऐसा इंसान नहीं है कि उसको आप लोग सिंपैथी करें, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है और देखने में बहुत ही हॉट सेक्सी है और ब्यूटीफुल, तो मत ही बोलूँ तो ही अच्छा है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंने अपनी लाइफ पे नहीं देखा है। हाँ ठीक है, ते और भी दोनों एक ही देखते हैं, लेकिन भी की फेस पे जो क्यूटनेस है, उसकी अंदर जो एक बच्चा है, वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उस बच्चे से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है पहले दिन में ही। सो गाइस, आप लोगों को ये कहानी कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यार वीडियोस को अगर सुन रहे हो, अगर अच्छा लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो, इसमें कोई पैसा थोड़ी लगेंगे। अगर आप लोग लाइक कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इससे मेरा जो है मोटिवेशन और भी बढ़ जाते हैं। मुझे मन करता है कि मैं जितनी भी मेरा कष्ट हो, मुझे जितना भी तकलीफ होती है ऑडियो बनाने में, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो ना, तो मेरा दिल ही टूट जाते हैं यार। कर दिया करो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।